हेलो भाई, मैं अंकित अस्कोडा ने हाल फिलहाल में एक कार को लॉन्च करा था। बहुत ही प्रीमियम कार थी भाई, सुपर्ब नाम था उसका। भाई वो लॉन्च होते ही फ्लॉप हो गई। बहुत लोग कह रहे थे कि वो लिमिटेड एडिशन है। भाई लिमिटेड एडिशन नहीं है, वो बिकी नहीं रही अब है। फिर से लगता है उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा। भाई आज अपन अस्कोडा की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानेंगे मॉडल वाइज। कल मैंने आपको टोयोटा की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड में आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। तो स्कोडा के पास तो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है भाई, इनके पास चार ही प्रोडक्ट है। तो चारों कंबाइन जुलाई में इन्होंने 2103 गाड़ियों को बेचा, जबकि जून में यह आंकड़ा 2566 यूनिट का था। मतलब 463 गाड़ियां इनकी कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अभी जो मैंने आपको यह आंकड़ा बताया ना जुलाई महीने का 2103 यूनिट का, इसमें कौन कौन सा मॉडल इनका कितना बिका है आओ जान लेते हैं डिटेल में। तो चौथे नंबर पे आई है इनकी हमेशा की तरह सुपर्ब। यही कार हाल फिलहाल में लॉन्च हुई है भाई। इसकी जुलाई में 0 यूनिट सेल हुआ है, मतलब भूनी तक नहीं हुआ है, जबकि जून में 1 यूनिट सेल हुआ था। मतलब कह सकते हो पिछले महीने के मुकाबले इस महीने एक गाड़ी कम बिकी है। ये कार भाई 64,17,000 रुपए का आती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, मैनुअल नहीं मिलता और डीजल वगैरह देखने को नहीं मिलता और हाइब्रिड भी नहीं मिलता। भाई ये इतनी प्रीमियम है ना, इतनी प्रीमियम है पूछो मत। आप इस पर बैठ जाओगे ना तो मजा बैठ जाएगा एकदम। खैर तीसरे नंबर पे इनकी कोडियाक है। अभी ये फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट की कार है। इसकी जुलाई में 240 यूनिट बिकी है, जून में बिकी थी 137 यूनिट, मतलब 103 गाड़ियां ज्यादा बिकी है कोडियाक की। ये भाई 45,92,000 रुपए शुरू होकर मोटा मोटी 47,67,000 रुपए तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है ऑटोमेटिक के साथ, डीजल नहीं मिलता। भाई अगर देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत ही प्रीमियम है, काफी ह्यूज लगती है देखने में और इसमें काफी अच्छा अच्छा कलर भी आता है, लेकिन फिर भी भाई लोग भाई इसको उतना भाव नहीं देते हैं। लेकिन 240 यूनिट बिकी है भाई, खराब नहीं बिकी। बाकी बात करें अगली गाड़ी की तो सेकंड नंबर पे स्लाविया। अभी भाई ये प्रीमियम तो नहीं है उतना, लेकिन हाँ काफी लोगों के दिलों पे राज करती है। इसकी जुलाई में 793 यूनिट बिकी है, जबकि जून में 1230 यूनिट बिकी थी, मतलब 437 गाड़ियां स्लाविया की कम बिकी है। ये अपने परफॉर्मेंस की वजह से जानी पहचानी जाती है भाई। इस पे यार बैठने पे जो फील आता है ना, मतलब इतना भागती है ना ये गाड़ी पूछो मत। इसमें दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। ये 12,53,000 रुपये शुरू होकर मोटा मोटी 22,26,000 रुपये तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, डीजल वगैरह देखने को नहीं मिलता, रबर ट्रांसमिशन का तो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों के साथ ये गाड़ी आ जाती है। बाकी पहले नंबर पे है कुशैक। अभी ये क्रेटा वाले सेगमेंट की कार है भाई। इसकी 1070 यूनिट बिकी है जुलाई में, जबकि जून में 1198 यूनिट बिकी थी, मतलब 128 गाड़ियां कुशैक की कम बिकी, 128 गाड़ियां। ये भाई 12,76,000 रुपए शुरू होकर मोटा मोटी 22,37,000 रुपए तक मिल जाती है। ये कार भाई 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। स्लाविया भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। अभी इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, मैनुअल मिल जाता है, ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। और हाल फिलहाल में सुनने में आ रहा है कि ये लोग एक और कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च करने वाले हैं। मैंने टीजर वीडियो भी देखा था, तो देखते हैं भाई 2025 में लॉन्च करेंगे, अभी नहीं लॉन्च करने का कोई प्लान है उनका। तो यही कहानी है भाई स्कोडा की सारी गाड़ियों का। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। टोयोटा वाला आपको ऊपर दिख रहा है, क्लिक करके देख सकते हो। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से। और हाँ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलो जय हिंद।